हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अभी दिल्ली में पहुंच चुका हूं और अभी बाहर मार्केट, क्योंकि यहां का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो अभी पूछ पाछ के जा रहा हूं मार्केट। और उसके बाद चलिए चलते हैं और थोड़ी सी दाढ़ी की सेटिंग वगैरह भी करवाएंगे। तो अभी शायद मैं मार्केट पहुँचने वाला हूँ। ये सामने है मार्केट। तो अभी गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जय श्री राम, पूरे भगवा रंग के झंडे वगैरह लहराए हुए हैं। और अभी लेते हैं अपनी ज़रूरतमंद का सामान कुछ, फिर उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे सब्जी मंडी है, यहाँ सब्जी वगैरह मिलेगी इधर। और मैं जा रहा हूँ अभी सैलून पे, किराना का सामान, मतलब मैक्सिमम सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं इधर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सैलून पे और अभी करवाते हैं कटिंग। थोड़ा हल्की हल्की सी सिर्फ कुछ करवाऊँगा। सब्जी कटिंग वगैरह हो चुकी है कम्प्लीट और आप देख सकते हैं 50 रुपये कटिंग की थी बी एच की। अभी ले लेते हैं कुछ को नहाने वाला साबुन। अपना मार्केट से सारा सामान हो गया कंप्लीट, तो अभी निकलते हैं रूम की तरफ। तो चलिए चलते हैं अभी, और शाम के बज चुके हैं अभी 4:30। और आपको पता ही दिल्ली में अभी कोहरा वगैरह बहुत पड़ता है, तो ठंड वगैरह होना शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी। अभी ना रूम जाके रेडी होके अभी कहीं मुझे जाना पड़ा, तो अभी मैं निकल आया हूँ। तो चलिए चलते हैं और सफ़र में बने रहिएगा, दिल्ली घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा आपको। अभी यहाँ पे ऑटो वगैरह देखे, ऑटो वगैरह काफ़ी मतलब ज़्यादा पे करने के लिए बता रहे हैं ज़्यादा पैसे, तो अभी मैंने किया है रैपिडो बाइक टैक्सी। तो बाइक टैक्सी काफ़ी अच्छी सर्विस है दिल्ली में, और ऑटो वाले से काफ़ी बचते रहना, काफ़ी लूटते हैं। और फ़ोन का भी बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि फ़ोन हाथ से ले जाते हैं जेब से, तो फ़ोन का भी बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। नहीं तो ऐसे काफ़ी मतलब केसेस होते रहते हैं फ़ोन के स्नैचिंग वगैरह। बाइक टैक्सी अभी मैं ले चुका हूँ, सफ़र का मज़ा लीजिए बाइक टैक्सी के साथ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ आज़ादपुर, और अभी मुझे से लेनी है यहाँ पे येलो लाइन जहांगीरपुरी के लिए। मेट्रो से निकल के मैं आ चुका हूँ बस पे, और अभी निकल रहा हूँ मैं। बस पे का सफ़र है थोड़ा 8-10 किलोमीटर, तो बस का सफ़र चलेंगे। अभी 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ अपनी जगह पे, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं होम्योपैथी का हॉस्पिटल खुला है बहुत बड़ा इधर। और आज मतलब काफ़ी टाइम बाद धूप भी लगी हुई है दिल्ली में। 2000 years later। हे एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल। और अभी मैं पहुंच चुका हूं खूबसूरत वादियों में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और अभी इवनिंग के बज चुके हैं 6, और अभी मैं थोड़ा रोड पे आया हूं वॉक के लिए। तो चलिए थोड़ा मैं आगे जा रहा हूं काम से, क्योंकि कहीं धाम है आज, एक जग था आज हमारे यहाँ पे, और वहीं पे जा रहा हूँ अभी मैं। अपने घर से बस 1.5 किलोमीटर दूर है इधर, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और वहाँ पे जा भी आते हैं। ये जो अब मेरे पीछे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, शायद पिछली बरसात का है ये, और देख सकते हैं हिमाचल में कितनी बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड होती है। तो कभी भी जब हिमाचल घूमने आएँ तो काफ़ी मतलब केयरफुल होके आएँ, और देखें रोड वगैरह इधर उधर पत्थर पुत्थर भी गिरते हैं बारिश के टाइम ज़्यादातर, तो काफ़ी खतरा भी रहता है। पर है तो बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे, और कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमिएगा, पर थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। अब धाम खाने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस, और मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम में। और शाम को ना अभी ठंड वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हल्की हल्की सी बारिश, ठंड वगैरह क्योंकि कोहरा वगैरह पड़ा है, कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, और वहाँ पर धाम खा के आ गया था, और दिल्ली से भी मैं आज ही पहुँचा हूँ, शायद आफ्टरनून टाइम पहुँचा हूँ मैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो, आज का नहीं 2 दिन का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।